हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अपने चैनल में आपसे एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मेरा चैनल अनबॉक्सिंग, रिव्यू, फैशन हॉल एंड हेल्थ, किचन टिप्स, इन सब चीज़ों के लिए है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रेसिपी भी आपसे शेयर कर दूँ। तो मैंने आज चिली पनीर बनाया है अपने किचन में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने ये पूरी रेसिपी बनाई है, और आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइए कि कैसे लगी आपको ये रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है 100 ग्राम के लगभग पनीर, ठीक है। इसके बाद आपको चिली पनीर बनाना है, तो चिली पनीर के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज के शिमला मिर्च और 3 मीडियम साइज की मैंने यहाँ पे ले ली है प्याज। प्याज इसमें आप जितना ज़्यादा डालोगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सामग्री देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं, और यहाँ पे लगभग 100 ग्राम पनीर था। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है। लोहे की कढ़ाई पे सब्जी बनाना मुझे पसंद है, क्योंकि ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और इसमें सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो कढ़ाई में मैंने डाल लिया है 2 टेबल स्पून के लगभग तेल। ये जब हल्का गर्म हो जाए मीडियम, तब आपको इसमें डाल देना है पनीर के टुकड़े। पनीर को थोड़ा सा आपको फ्राई करना है, सेलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई आपको इसको नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये टाइट हो जाएगा। तो ना तो बहुत इसको कच्चा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको आपको फ्राई करना है। तो धीरे धीरे आप इसको फ्राई कर लीजिए मीडियम आँच पे। तब तक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ पनीर चिली मसाला मिक्स। ये चिंग्स का है, इसको आप आराम से यूज कर सकते हो अगर आपको जल्दी में बनाना है चिली पनीर। और तो अभी मैं ये रेसिपी बता रही हूँ, जब मैं दूसरी रेसिपी लाऊँगी तो उसमें मैं बिना मसाले को यूज किए हुए भी आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप इस रेसिपी को कैसे बना सकते हो, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं ये चिंग्स का मसाला यूज कर रही हूँ चिली पनीर का, और ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप भी इसको ज़रूर यूज करके देखना। तो लगभग 2 चम्मच मैंने इस मसाले को मिक्स कर लिया है कटोरी में, और इधर हमारा पनीर भी फ्राई हो रहा है, इधर हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे आपको पनीर को भूनना है। पनीर भून चुका है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये पनीर फ्राई हुआ है। और जो तेल बचा था ना, उसी तेल में मैंने यहाँ पे जीरा डाला है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे काली मिर्च कुटी हुई डाल दी है, और ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। इसके बाद जो प्याज हमने कट किए थे स्क्वायर शेप पे, वो प्याज आपको यहाँ पे डाल देना है और इनको हल्का फ्राई करना है। फिर इसके बाद में आपको इसमें शिमला मिर्च डाल देना है। पहले इसको थोड़ा फ्राई कर लीजिए जब तक कि ये प्याज बिल्कुल अलग ना हो जाए, ठीक है। तो लगभग 2 मिनट इसको फ्राई करने के बाद में आप शिमला मिर्च इसमें डाल दीजिए, और शिमला मिर्च और प्याज को आपको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर फ्राई कर लेना है। लगभग 5 मिनट आप इसको फ्राई करिए, ठीक है। तब तक मैं आपको यहाँ पे पनीर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको फ्राई करना है। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्राई पसंद है तो आप ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर ढक करके पका लिया है, तो हल्का सा ढक्कन रख करके आपको इसको पका लेना है, और इसी टाइम पे आपको थोड़ा सा नमक भी डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया है डार्क सोया सॉस, ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आप पहली बात तो आप इसको थोड़ा थोड़ा ही डालिए, अदरवाइज मैंने देखा है ये अक्सर करके ज़्यादा हो जाता है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आप पहले थोड़ा थोड़ा ही डालें, आधा चम्मच से ज़्यादा ना डालें। यहाँ पे मैंने ये पिचकू वाला टोमेटो सॉस लिया है, यहाँ पे मैंने पूरा 1/2 पिचकू का पैकेट यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है। तो टोमेटो सॉस आप जितना ज़्यादा डालोगे, मतलब एक लिमिट से बहुत ज़्यादा नहीं आपको डालना है, अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो चलता है, क्योंकि सॉस का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है चिली पनीर में। बिना सॉस के तो चिली पनीर बिल्कुल उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मसाला भी डाल दिया है, तो ये मसाला मैंने पहले से बना के रखा था, मैंने आपको दिखाया है। इसको आपको अच्छे से पकने देना है, आप इसको ढक करके अच्छे से पहले पका लेना, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें पनीर डाल देना है, ठीक है। पनीर डालने के बाद में अच्छे से आपको इसको मिक्स कर देना है, नमक वगैरह भी आपको इसको इसमें डाल लेना है। थोड़ी देर आपको इसको फिर से ढक करके पका लेना है। तो चलिए मैं इसको ढक करके पका लेती हूँ।
यहाँ आप देख सकते हो कि ये मेरा जो चिली पनीर है ये पक चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है ये, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से पक चुका है, इसमें कोई कमी नहीं रही है। और इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ी सी आप कसूरी मेथी डाल सकते हो, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो फिर अवॉइड कर सकते हैं। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको डालने के बाद में थोड़ी देर आप इसको ढक करके रख दीजिए, ताकि जो भी फ्लेवर है ना कसूरी मेथी का वो आराम से इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको मैंने ढक दिया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो गर्मा गर्म चिली पनीर कितना अच्छा लग रहा है, ये चिली पनीर कितना बढ़िया बना हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो घर पर बना करके ज़रूर अपने घर में सबको खिलाएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आपको रेसिपी के अलावा भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, रिव्यू से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, फैशन हॉल से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे।